हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में। जैसा कि आप सब लोग भली भांति रूप से परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस लॉन्च करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन डिजीज के बारे में, आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता हूं। तो आज इसी चेन को जारी रखते हुए, इसी चेन को मेंटेन रखते हुए एक और बहुत ही यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन ऑरम्यून नेट्रोनेट्रम के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं इस वीडियो में। सो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है आप लोगों के लिए। और आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक वाइंस एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है मेरे द्वारा। सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन के राइट साइड में रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर पुश करना है। पास में एक बेल आइकन दिया हुआ है, घंटी नुमा आइकन, उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद ही जो मेरे लेटेस्ट लॉन्च होने वाले वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, आज की मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑरम्यून नेट्रोनेट्रम के बारे में। 3x पोटेंसी है, लोअर पोटेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ ऑरम्यून नेट्रम के बारे में, ऑरम्यून नेट मेडिसिन इसे कहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, ये एक होम्योपैथिक मिनरल किंगडम बेस्ड मेडिसिन है जो कि प्रिपेयर की जाती है। कॉमन नेम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक मिनरल है जिसकी द्वारा फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा ट्रैचुरेट करके इसका 3x 30 या 200 पोटेंसी में इसका प्रिपरेशन किया जाता है। लो पोटेंसी के बारे में इसलिए बताऊंगा क्योंकि बहुत ही बेनिफिट, जिस चीज के बारे में, जिस डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूं वहां पर लोअर पोटेंसी ही सटीक कारगर साबित होती है। इसीलिए 3x पोटेंसी के बारे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑरम्यून नेट जो है 3x पोटेंसी में यूज करें। इसका मेन स्पीयर ऑफ एक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। हाँ, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से, कौन सी डिजीज में, कौन से सिम्टम्स में इसका उपयोग किया जा सकता है, कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें क्योरेबल साबित होती है। तो आइए विस्तृत रूप से मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, यूट्राइन ट्यूमर या यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो कंडीशन होती है, रसौली या बच्चेदानी में गांठ, इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करती है ऑरम्यून नेट 3x। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको फाइब्रॉइड के बारे में जानकारी दे दूंगा। फाइब्रॉइड एक ऐसी कंडीशन होती है फीमेल यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर डेवलप हो जाती है, जिसमें, जैसे कि हम लोग रसौली कहते हैं या गांठ कहते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट आती है पेशेंट के अंदर, लोअर एब्डोमेन पेन रहता है, स्पास्मोडिक क्रैम्पी पेन रहेगा, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, खिसका हुआ ऐसा लगेगा कि यूट्रस बाहर निकल के आ रहा है, बल्जी टाइप फील होगा फीमेल्स पेशेंट के अंदर, पीसीओडी पीसीओएस के चांसेस भी काफी, ओवरीज भी इफेक्ट हो जाती है यूट्राइन ट्यूमर के वजह से, ओवरीज भी इफेक्ट हो जाती है, पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो सारी कॉम्प्लिकेशंस मिलकर यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो स्थिति है उसको और ज्यादा खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से यूट्राइन टॉनिसिटी जो है आपके बच्चेदानी की जो टॉनिसिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाती है, और आगे फीमेल्स पेशेंट को कंसीव करने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक एज ग्रुप की महिलाएं या फीमेल्स पेशेंट के अंदर इफेक्ट होता हो, ये यंग गर्ल्स में भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये अबाउट 25 या 30 इयर्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी डेवलप हो सकती है, आफ्टर मैरिज भी ये चीज हो सकती है, अनमैरिड यंग गर्ल्स में भी ये चीज हो सकती है। तो इसके अंदर ऑरम्यून नेट 3x पोटेंसी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल बशर्ते ये क्योरेबल, क्योर करती है मेडिसिन। दो गोली सुबह, दो गोली दोपहर में, दो गोली शाम को, दो दो गोली दिन में तीन बार अगर यूज करते हैं तो 2 से 3 महीने अगर रेगुलर इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब आइए ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज, इस टाइप का वाइट डिस्चार्ज होता है जिसके अंदर एक्रिडिटी मार्क्ड होती है, थिक डिस्चार्ज होगा, येलोइश और ग्रीनिश टाइप का डिस्चार्ज होगा, कंटिन्यूसली होता रहेगा, जिसकी वजह से जो स्किन है पेल्विक एरिया की वो बिल्कुल छिल जाती है, उसमें काफी इन्फेक्शन टाइप सा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। प्रोलैप्स की कंडीशन की बात की मैंने, प्रोलैप्स बल्जिंग ऑफ यूट्रस की बात की, नीचे खसक कर आ जाता है, वहां पर भी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, मतलब यूट्रस की टोन मेंटेन होती है इससे।
आगे काफी दिक्कत का सामना फीमेल्स पेशेंट को नहीं करना पड़ सकता। डिसमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की बात की, पेन ज्यादा होता है, पेन इन एब्डोमेन कह लीजिए, लोअर पोर्शन जो होता है पेल्विक एरिया वहां पर काफी खिंचाव, तनाव, क्रैम्पी स्पाज्मोडिक पेन होता है। पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसके अंदर ओवरीज इफेक्टेड हो जाती है पेशेंट की, जहां पर एग फॉर्मेशन होती है ओवरीज में भी, रसौली या गांठ या सिस्ट कह लीजिए, वो फॉर्मेशन होने के कारण कंसीव करने में काफी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। ल्यूकोरिया जैसी कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अंदर भी ऑरम म्यून नेट 3X टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह काम करती है। इसीलिए मैं समरी के रूप में लास्टली आपसे यही कहना चाहूंगा, जितनी भी गायनिक कंप्लेंट्स फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड मैंने जो डिजीज बताई हैं, चाहे वो यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, ओवेरियन सिस्ट हो, या प्रोलैप्स की कंडीशन हो यूट्रस की, या डिसमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो, वहां पर ऑरम म्यून नेट 3X बहुत बढ़िया काम करती है। डोजेज एक बार फिर सुन लीजिएगा, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली शाम को, दिन में 3 बार आप थोड़े से पानी से यूज करें, बट आपको रेगुलरली लेनी पड़ेगी सुबह दोपहर शाम, तब जाके 2 से 3 महीने आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपकी जो फाइब्रॉइड वगैरह की कंडीशन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये हुई ऑरम म्यून नेट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी। अगर इस बारे में और ज्यादा जानकारी आप प्राप्त करने के इच्छुक हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर भी अदर लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्द आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करते रहिएगा और होम्योपैथिक वाइंस को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।